इंदौर टेस्ट, भारत ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। सीरीज में दो टेस्ट की बढ़त थी, यानी कॉन्फिडेंस की भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद जो देखने को मिला उसने इंडियन फैंस को चौंका दिया। टीम इंडिया की बैटिंग पहली पारी में 109 और दूसरी पारी में 163 रन पर बिखर गई। ऑस्ट्रेलिया ने ये टेस्ट 9 विकेट से जीता। इसके बाद से ही टीम इंडिया की बैटिंग पर खूब चर्चा हो रही है, खूब आलोचना हो रही है। इसी बीच ऑस्ट्रेलियन दिग्गज प्लेयर इयान चैपल ने कहा है कि हमारे पास एक प्लेयर ऐसा भी है जो होता तो इंदौर में कहानी कुछ और हो सकती थी। इयान ने कहा है कि ऋषभ पंत का ना होना टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है। ESPN क्रिकेट इन्फो से बात करते हुए चैपल ने कहा, एक बड़ा अंतर यह रहा है कि इस इंडियन टीम में ऋषभ पंत नहीं है। उन्हें दिखने लगा है कि वो टीम इंडिया के लिए कितने जरूरी हैं। ऋषभ पंत पर पूर्व पाकिस्तानी लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने भी बात की है। दानिश का भी ऐसा ही कुछ मानना है। दानिश ने अपने YouTube चैनल पर कहा, अगर आप ऋषभ पंत से पूछेंगे इन स्पिनर्स के खिलाफ, इन स्पिनर्स यानी टॉड मर्फी, मैथ्यू कुनेमार और नेथन लायन के खिलाफ कैसे बैटिंग करनी है, तो वो आपसे कहेंगे अपने कदमों का इस्तेमाल कीजिए, बॉल की पिच तक आइए और लंबे शॉट्स खेलिए। अगर वो होते तो वो लायन और मैथ्यू कुनेमान को नहीं छोड़ते, वो उन्हें अटैक करते जिससे ये बॉलर्स अपनी लेंथ बदलने पर मजबूर हो जाते। भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। नेथन लायन ने तीसरे टेस्ट में 11 विकेट लिए थे। दूसरी पारी में उनके खाते में 8 विकेट आए जिससे इंडिया लगभग हार गई। ये भारत की हार की सबसे ज़रूरी वजहों में से एक रही थी। कनेरिया ने इसी बातचीत में इसी वीडियो में आगे कहा था, भारत अच्छे से बल्लेबाजी कर पहली पारी में 250 से 300 रन बना सकता था, पर उनके गलत शॉट्स ने ऑस्ट्रेलिया की मदद जरूर की। दिसंबर 2022 में पंत का एक्सीडेंट हो गया था, वो अभी भी रिकवरी स्टेज में है। उनकी जगह टीम में श्रीकर भरत को मौका दिया गया है। भरत की कीपिंग पर कोई सवाल नहीं है, पर उनकी बैटिंग से फैंस को और उम्मीदें बनी हुई हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और आखिरी टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। ये मैच 9 मार्च से शुरू होगा। पर इंदौर टेस्ट में जो कुछ भी घटा है, इतना कुछ हुआ है, इस पर ढेर सारी बातचीत हो रही है। इस पर इंदौर की जनता ने क्या कहा, इस पर ललन टॉप स्पोर्ट्स ने ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं। मैं खुद इंदौर के स्टेडियम गया था, वहाँ पर हमने लोगों से बात की, वहाँ पर हमने ढेर सारी बातचीत की, वहाँ ऑस्ट्रेलियन फैंस से भी हमने बातचीत की। इन सब ने क्या कहा, ये सारे वीडियोज़ आपको ललन टॉप स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। एक और खास चीज़ आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, BCCI सेलेक्टर का इंटरव्यू। जी हाँ, हमने एक BCCI सेलेक्टर का इंटरव्यू किया है और उनसे हमने पूछा कि इंडियन टीम में प्लेयर्स के चुने जाने की प्रक्रिया क्या है। उन्होंने हमें खुलकर इसके बारे में बातचीत की। इसके बाद उन्होंने हमें युवराज सिंह, MS धोनी, सौरव गांगुली, VVS लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग सबसे जुड़ी ढेर सारी दिलचस्प कहानियां सुनाई हैं। वो कहानियां भी आप उस इंटरव्यू में सुन सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। शुक्रिया।